उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों पहले तक तो उसे एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की संपत्ति को तगड़ी चपट लगी थी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस समय उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, जिस पर आज यानी कि शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में वे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते। इस समय कोर्ट के पास उस रिपोर्ट की वास्तविकता चेक करने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में सेबी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। यह अलग बात है कि याचिकाकर्ता इससे नाखुश है। उनकी तरफ से तो कोर्ट में यहां तक कह दिया गया है कि सेबी को इस पूरे मामले की जानकारी पहले से है, उसने जांच भी कर ली है, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। इन दावों पर कोर्ट ने भी दो टुक कहा है कि अगर जांच हुई है तो उसका सबूत कहां है, क्या साक्ष्य है, किस आधार पर सेबी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सेबी पर कई सवाल दागे। उनका कहना रहा कि गैर कानूनी तरीके से पैसों को दुबई और मॉरिशियस भेजा गया था, बाद में वही पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट भी हो गया। इन्हीं पहलुओं पर सेबी ने कई जांच नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो सेबी के बजाय जांच तो DRI को करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह दर्शकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। उस रिपोर्ट के बाद ही रिकॉर्ड स्तर पर अडानी के शेयर गिर गए थे और भारत की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल भी आया था। ऐसे में स्थिति अब काफी ज्यादा गहमा गहमी वाली नजर आ रही है, क्योंकि उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद से काफी ज्यादा घेरा चुकी हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।